देखिए इतना मच्छर काटा, इतना मच्छर काटा हम लोग बता नहीं सकते हैं, लेकिन लेकिन बलिया देवरिया कोई आजमगढ़ से आया है। बस एक आखिरी रिक्वेस्ट है, पीसीएस का जो पेपर है हमारा 17 का जो पेपर था भी नहीं। कभी महोदय आप तो हैं। अरे सर चलिए आप देख पा रहे हैं कि तमाम अभ्यर्थी से हम तो बात करते हुए पहुंच चुके हैं। एक महिला अभ्यर्थी के साथ इनसे हमारी पहले भी वार्ता हुई थी जब ये लोग यहाँ पर संघर्ष कर रहे थे, और फिलहाल अब संघर्ष के दिन तो खत्म हो गए, अब खुशी का पल है। कैसा लग रहा है पेपर कैंसिल होने के बाद? बहुत खुशी हो रही है कि हमने ये लड़ाई जीत ली, जो हमारे मतलब न्याय के पक्ष में लड़ाई थी वो हमारे पक्ष में ही आया, और बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का जिन्होंने हमारे मुद्दे को संज्ञान में लिया और रद्द करवाया। बस एक आखिरी रिक्वेस्ट है, पीसीएस का जो पेपर है हमारा 17 का जो लगा है उसको पोस्टपोन करवा दें, क्योंकि समय हमारा बहुत इसमें लॉस हुआ है और पूरा जो मेंटल कंसंट्रेशन है ना वो बहुत डिस्टर्ब हो चुका है। चलिए ये तो ये उसे एक हाथ जोड़ के निवेदन अगर देखें तो। चलिए ये तो बात रहा आपका कि पेपर कैंसिल हुआ उसकी खुशी, अगर हम बात करें थोड़ा सा पारदर्शिता का, आगे भविष्य में जब एग्जाम होगा तो क्या जरूरी है कि इसी तरह कहीं अगर दोबारा देखने को मिला तो फिर क्या अभ्यर्थी? हम आयोग से ये उम्मीद करते हैं कि इस बार से उन्होंने सबक ले ली होगी और कड़ी से कड़ी जांच करवाएंगे, और हमें वो एक ऐसी संस्था है कि आगे वो ऐसा न हो इस बात की वो गारंटी खुद सुनिश्चित करेंगे आपस उनके में। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो कहीं ना कहीं जो लोग इसके पीछे जुड़े हुए थे, अब उनका नाम तो अभी तो नहीं आया, अब आगे जाँच प्रक्रिया में आएगा, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बस ऐसे लोग को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि दोबारा वो हिम्मत ना कर पाए, और खुशी इस बात की कि उनके जो उनका जो वो होगा ना क्या कहते हैं मनोबल जो बोलते हैं, आज वो टूट गया होगा कि कुछ बच्चों ने मिलके उनके हम लोगों ने गिरा दिया, मनोबल उनका टूट गया, आज वो नहीं सो पाएंगे, आज हम लोग सुकून से सोएंगे। या बहुत खुश, 12 तारीख से लगातार जुड़े, पहले दिन रोया था दर्द के आंसू थे, आज रो रहा हूँ खुशी के आंसू है। ये सब बच्चों की आज जिस तरह से इनके संघर्ष की जीत हुई है, कवि महोदय आप तो हैं। अरे सर बहुत बहुत आभार सर, इस आंदोलन ने प्रसिद्धि दी, इस आंदोलन के लिए धन्यवाद, भगवान करे ये दुर्भाग्य से दोबारा ना करना पड़े। तो मैं अब थोड़ा सा कोई एक जी जी बिल्कुल सुनाऊंगा मैं तो, एक अपने कवि हैं नील जी, नील उत्पल मिलाल जी, उनकी लाइन है, ये सब बच्चे कहाँ से आए हैं और किस तरह आए हैं, तो इनके लिए कहना है कि भैया कोई बलिया देवरिया कोई आजमगढ़ से आया है, अरे कोई बलिया देवरिया कोई आजमगढ़ से आया है, बाबूजी चिंता ना करिहा घर से ये कह कर आया है, अरे कई बेटियों का हौसला भी समाज से लड़कर आया है। और अब जब ये एग्जाम कैंसिल हो चुका है तो आगे के लिए क्या कहना है कि जम के लड़ना जम के भिड़ना, अरे कोई भी मौका ना छूटे तो इलाहाबाद के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे, इलाहाबाद के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे, तो कई गांवों का गुलमोहर साख से गिर कर आया है, अरे हजारों गांव इलाहाबाद पैदल चल कर आया है, तो जम के लड़ना जम के पढ़ना अब कि ये मौका ना छूटे, तो आरो एग्जाम के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे, भारत माता की। तो अभ्यर्थी आप देख पा रहे हैं, ये लोग अभ्यर्थी जितने भी अभ्यर्थी हैं ये लोग लगातार लगे रहे, और आज कहीं ना कहीं रात दिन लगे रहे, और हम लोग लगातार आपको कवरेज करके उस चीज को दिखा भी रहे थे, हाँ मच्छर भी काट रहे थे। चलिए अब कहीं ना कहीं खुशी का माहौल है, क्यों? हाँ तो बहुत खुशी का माहौल है, बहुत ज्यादा खुश है, हम सीएम योगी जी को और अपने माननीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि उन्होंने हम लोग के न्याय की लड़ाई में हम लोग को चीज जीत दे दी है, इसलिए हम लोग न्याय की लड़ाई। चलिए आप देख पा रहे हैं इनको, सबसे पहले इनसे थोड़ा सा
हमारी दीदी सर हम लोग बहुत खुश हैं, वी वेन सर, वी वेन, हमारा लोग बहुत खुश हैं। जो है काफी निराश थी लेकिन आज जो है हम लोग एकदम खुश है चेहरे पे, और हम लोग बहुत खुश हैं। कहीं आप लोग इतने दिनों तक निराश थे लेकिन आज कहीं ना कहीं वो खुश है, रात दिन एक मेहनत की है हम लोग, लेकिन आज इतना खुशी है पूरा थकान दूर हो गई हम लोगों की। भले मच्छर काटते रहे लेकिन अब इतना मच्छर काटा, इतना मच्छर काटा हम लोग बता नहीं सकते हैं, लेकिन देखिए इनके चेहरे पर, इन लोगों के चेहरे पर आप देख सकते हैं कि मच्छर के वो निशान अभी भी मौजूद है। लेकिन देखिए हम लोग मच्छर पानी लाइट सबकी सराहना करते हुए आज हमारी जीत हो गई, इसलिए हम सभी साथी हमारी बहनें भाई सब लोग बहुत खुश हैं। इतनी खुशी है कि हम इतनी बयां नहीं कर सकते। ये तो खुशी रही एग्जाम को रद्द करने का, अब जब पुनः एग्जाम कराया जाएगा तो पारदर्शी तरीके से इसकी भी तो मांग। बिल्कुल हम लोग चाहते हैं अध्यक्ष महोदय से और सरकार से यही विनम्र निवेदन करते हैं कि जो भी एग्जाम हो आपसे आगामी वो बहुत पारदर्शी तरीके से हो, ताकि हम सभी भाई बहने इसमें सबसे अच्छा अपना प्रदर्शन कर सके। यही हम अध्यक्ष जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं। और हमारा जब देख पा रहे हम योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, हम लोग दिन रात मेहनत किए, हम लोग की सफलता मिली है पूरा एकदम। जी सर क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाहते हैं बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही खुशी की बात है। छात्र शक्ति, इसमें छात्र शक्ति की जीत हुई, छात्रों का आंदोलन जीता है। इसमें जो हमारे जो तमाम भाई बहन लगातार अपना धैर्य बनाए रखे थे उनकी ये हौसले की जीत है। अब इसकी निष्पक्षता से पेपर आप कराइए और इसमें दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करें। हम ये कहना चाहते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले के कदमों में कुछ नहीं मिलता, लड़ने वाले के कदमों में सारा जहान होता है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भाई साहब यहाँ सबके लिए बस इतना संदेश है, विजय का पद सुपथ पे बढ़ चुका है, तुमको सूचित हो। धन्यवाद। चलिए आप देख पा रहे थे हमारे साथ तमाम अभ्यर्थी जुड़े हुए थे, जो कहीं ना कहीं पेपर रद्द होने के बाद खुशी का माहौल है, उस खुशी के माहौल को हम लोग दिखाने का प्रयास किए। इससे पहले भी हम लोग इनके संघर्ष को भी दिखाए थे और आज उस खुशी के पल को भी दिखा रहे हैं। तमाम अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हुए थे और कहीं ना कहीं उनके इस खुशी के पल को हमने कैमरे में कैद करने का प्रयास किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं वो भी जरूर बताइएगा। चलिए मिलता है, फिलहाल मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।